सर जी, हैं? आपने मुझे बुलाया? हाँ, कल रात हमारी फैक्ट्री का पावर हाउस उड़ा दिया गया। जी, बड़ा अफसोस हुआ। और अफसोस के बावजूद तुमने हमें खबर करने की ज़हमत गवारा नहीं की। सर जी, वो टेलीफोन पर जो खबर आपको दी गई थी वो मेरे ही कहने पर दी गई थी। आई सी। लेकिन ये किसकी हरकत हो सकती है, कुछ पता चला? हाँ, चल गया। ओ, है एक नमक हराम जो हमारे नमक पे पल रहा है और जहर उगल रहा है, मगर इसे पता नहीं कि हमने बचपन में अपनी मां की दूध की जगह सांप का जहर पिया है। जो सांप हमें डसेगा वो खुद तड़प के मर जाएगा। राजेश, हम इस फैक्ट्री के तमाम मजदूरों की सांसें रुकती हुई देख सकते हैं, मगर इस फैक्ट्री को या इसकी मशीनों को रुकता हुआ नहीं देख सकते। लेकिन सेठ जी, ऐसा कौन सा आदमी हो सकता है जो आप जैसे खतरनाक आदमी के साए में रहते हुए आपको चैलेंज करे? कौन हो सकता है? है गद्दार, जिसने अपने माथे पर वफादारी का लेबल लगाया हुआ है। सेठ जी, आप मुझे बताइए ना, आप हमसे कुछ छुपाइए मत, बताइए ना। बताऊंगा जी, तुम्ही को बताऊंगा, इसलिए तो बुलाया तुम्हें। इस पिस्तौल का कुछ मतलब समझे? जी हाँ, बिल्कुल समझ गया। इस पिस्तौल की गोलियां उस गद्दार के सीने में मौत की कील ठोकने के लिए तैयार है, मगर वो है कौन? लाइटर का क्या मतलब? लाइटर? चौंके? ये वही पड़ा था जहां से पावर हाउस उड़ाया गया। इसका कोई जवाब है तुम्हारे पास? जवाब है, जवाब है। इस लाइटर के जरिए आप अपने दुश्मन को पकड़ना चाहते हैं। चलिए, कम से कम मैं आपका सिगरेट तो जला दूं। कहीं गलत फहमी की आग में आप वफादारी के रिश्तों को ना जला दें। ये लाइटर? चौंक गए ना? है कोई जवाब? सेठ जी, इस दुनिया में तो इंसान के हम शक्ल मिल जाते हैं, ये तो फिर भी लाइटर हैं, और वो भी फैक्ट्री के बनाए हुए। तो फिर वो कौन हो सकता है?